सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। आपने टाइटल में देखा बिल्कुल जैसे मैंने कहा था, ये पार्ट टू है उसी का। और फिर से प्रभु ने मुझे इस बारे में बोला, क्योंकि जब भी बोल गया था। और आज है सलमान खान से आलिया भट्ट तक कितने लोग परमेश्वर के पास जाते हैं, चर्च जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं। लेकिन आज जो प्रभु ने वचन दिया, ये हम सबकी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि कहीं हम भी तो इनमें से नहीं है। आंखें में प्रार्थना करके धन्यवाद करते हुए था अद्भुत जानकारी के लिए, प्रकाशन के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम इस संदेश से सुनकर बहुत कुछ सीख पाए। पिता मेरे बोलने में तेरा पहरा, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आपने देखा होगा मेरे तो बिल्कुल, और ये परमेश्वर ने मुझे बताया, जैसे मैंने कहा था उस दिन बीती रात को, कितने लोग चुपके से प्रभु के भवन जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, इनफैक्ट क्रिसमस मनाते हैं। कई लोगों चुपके से प्रभु को मान भी लिया, ग्रहण भी कर लिया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे क्यों दिखाया ये दूसरा पार्ट क्यों बताया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है मेरे जी, तो हम परमेश्वर के भवन जाते तो है, क्यों जाते हैं पता है हमें नहीं पता। दो तीन कारण होते हैं जाने के। एक, चलो दोस्त ने कह दिया घूम के आ जाओ। एक, उसके कहने से आ गया। एक, जरूरत पड़ी तो प्रार्थना के लिए आ गए, बाकी दिन हम बीजी, चाहे हम क्रिश्चियन नहीं थे क्यों ना हो, यूज और थ्रो के लिए। लेकिन दो बातें प्रभु ने मुझे इसमें से बताई। पहली, परमेश्वर किसी ना किसी वजह से प्रभु भवन में लेके आता है, ये तो बात फैक्ट है। कोई भी कारण हो सकता है, दोस्त का कारण हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर कभी मना नहीं करता, एक जरिया बनाता है। भाई दोस्त कह रहा है चल वहां, चल चले गए, ठीक है, कोई बीमार हुआ भवन खोला हुआ चले गए, कोई ना कोई कारण, किसी ना किसी कारण से, चाहे वो पब्लिसिटी हो, एक्टर हो, चाहे कोई भी हो, कारण कोई भी बने, क्योंकि परमेश्वर भवन जरूर बुलाएगा। इनफैक्ट बुला के प्रचार भी होगा, उनके कानों में प्रभु का वचन भी जाएगा, और क्या करेंगे, प्रार्थना भी होगी। यह है पार्ट वन। देखिए यीशु मसीह का पार्ट टू बाद में शुरू होता है, कौन सा, आंखें बंद कर प्रार्थना करेंगे वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, जैसा आपने मुझे प्रकाशन दिया, वैसे पिता प्रभु जी जब मैं खोलूं उस प्रकाशन को, तो बहुतों के जीवन में आज एक नया बदलाव आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते वचन के द्वारा, प्रतिफल के साथ हमें वापस आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन, हालेलुया। बहुत लोग हैं जो गवाही देते हैं कि मैं अचानक चला गया, मैं क्रोध में चला गया था, है ना, मैं किसी के हन में चला गया था, बहुत लोग गवाही देते हैं, और उसके बाद उनका जीवन बदल जाता है। क्यों करते हैं प्रभु ऐसा, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि ये समाचार, सुसमाचार सबके कानों में जाए, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो अन्य जाति हो। लेकिन इसके बाद क्या होता है, उद्धार किसका होगा? चर्च जाने से उद्धार है, चर्च जाने से उद्धार है, मसीहत को किस प्रकार ग्रहण करने से उद्धार है, उद्धार है। आज प्रभु यही बताएंगे, वचन है लूका 8 का 19 से पढ़ूंगा। लिखा है, उसकी माता उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उसे भेंट ना कर सके। उससे कहा गया, तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तुझसे मिलना चाहते। आपको भाई इसमें क्या है, उस टॉपिक पे, ये टॉपिक गहरा है, इसलिए प्रभु ने ये वचन दिया है। मैंने कहा पार्ट वन है यीशु मसीह का, किसी ना किसी बहाने प्रभु भवन में, देखो परमेश्वर का भवन सबके लिए खुला हुआ है, ताकि परमेश्वर कोई यूं ना कहने पाए कि हम आपके सुसमाचार मेरे कानों तक नहीं पहुंचा। हो सकता है क्रिश्चियनिटी हम भी हो और हमसे भवन जाते हो, किस लिए, उसमें भी चले गए, नए कपड़े पहन के चले गए, संडे को फॉर्मेलिटी कर दी, लेकिन उसके बाद हमारा जीवन कैसा है, ये हमें बहुत देखना है। आज हम दूसरों को कह सकते हैं, अरे भाई वो तो भवन तो गए, कौन सा कुछ कर लिया उन्होंने, भवन तो सभी जाते हैं, तो सभी हम भी है, लेकिन हम उन पे उंगली जब उठाए, जब हम इसमें से निकल के आए, समझ रहे हो आप, हम किसी को नहीं कह सकते तो गलत है जब तक हम खुद गलत है, वचन साफ कहता है। हाँ, हम किसको रास्ता बता सकते हैं अगर हम खुद राइट है, तो कैसे हम परमेश्वर में चल रहे हैं, हम कह सकते हैं भाई मैंने ये काम छोड़ा है, तुम भी छोड़ो, हालेलुया। जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तो हम दूसरे कैसे कहेंगे, तो आज वही बात आई है। वो लोग किसी ना किसी कारण जाते हैं, हो सकता है उनके मन में प्रभु का प्रेम हो, लेकिन दुखावा कर, मतलब डर, दुनिया से डरते हो, बहुत कुछ है, लेकिन पहला काम है परमेश्वर के भवन आना। दूसरा क्या लिखा है, अब यीशु मसीह ने क्या कहा, 21 पद में, यीशु उसने उसके उत्तर में उनसे कहा, मेरी माता मेरे भाई यही है, कौन, जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते, प्रेज वाला, सुनते और मानते। अब दो वर्ड है यहां पे, पहला काम था सुनना, परमेश्वर भवन खोल दिया, बहुत लोग गए, वचन सुना, सुनने से मन नहीं बदलता, यानी कि सुना, सुन के भूल गए, आज्ञा नहीं मानी परमेश्वर की, अपने काम में लग गए, उनका जाना ना जाना व्यर्थ हो गया, लेकिन फिर भी परमेश्वर बुलाते हैं, सुन के अनसुना करना। क्या लिखा है, जो सुनते और मानते हैं। अब कैसे, आपके पापा मम्मी ने आपको आवाज दी, बेटा गिलास पानी पिलाओ, आपने सुना, सुन लिया, मेरे पापा ने कुछ कहा लेकिन इग्नोर कर दिया, सुनकर अनसुना कर दिया, आप आज्ञा उल्लंघन बन गए।
प्रभु ने कहा चर्च में गए, ये काम छोड़ दो, ये काम करना है, वचन सुना, सुनकर इग्नोर कर दिया। लेकिन सुना जरूर, सुनना, आप क्या कह सकते हैं, आप आपके पापा, बेटा आपने मेरी बात सुनी लेकिन आपने माना नहीं, आपने आज्ञा उल्लंघन करा है। आपको क्या, हाँ पापा मेरी बात सुनी तो थी लेकिन मैंने नहीं माना, सुना तो था वचन, एक दिन सुना तो था, हाँ एक दिन चर्च तो आया था मैं, पर उन्होंने मुझसे कहा था ये काम छोड़ दे लेकिन मैंने नहीं सुना, इसलिए परमेश्वर मिली है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन को कान में डालते हैं और इसका जरिया प्रभु हम लोगों को बनाते हैं, आप लोगों को बनाते हो जब आप प्रचार करते हो। कोई भी ये मत देखो वो नेता है या अभिनेता है, आपका काम है सुनाना, ताकि कोई भी व्यक्ति ये ना कह सके मैंने सुना ही नहीं। सुना तो है, ठीक है, परमेश्वर का वचन पूरी पृथ्वी गूंज गया है, हालेलुया। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं सब लोगों को भवन आने देता हूं, मना नहीं करता, मेरे लिए कोई एक्टर नहीं, कोई अभिनेता नहीं, सब इंसान है। लेकिन उसके बाद वो क्या चलता है ये प्रभु जानता है, और हो सकता है कि आज जो वचन के कान पड़ा हो एक दिन फलवंत जरूर होगा, ये मेरा विश्वास करता है। आपका विश्वास क्या कहता है कमेंट बॉक्स बताइए। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत जानकारी के लिए, प्रकाशन के लिए। हाँ मेरे पिता, आप सबको आने देते भवन में किसी न किसी जरिए, ताकि सबका उद्धार हो सके। लेकिन जो सुनकर अनसुना करता है पिता, ताड़ना उस पर पड़ती है, लेकिन तब भी आप बचाते हो, क्योंकि आप कानों में हमारे सबके सुसमाचार सुनाना चाहते हो, ताकि कोई भी इंसान गड्ढे में ना गिरे, पाप में ना हो, और बल्कि पाप से बाहर आए। मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ हाथ उठा के, जिन्होंने सुना वो भी आनंदित हुए पिता, लेकिन हम भी इसमें से ना हो कि हम सुनते हैं आपका वचन और ना माने। पिता हमारा हमारा जीवन भी आप जैसा हो, जैसे आप चाहते हो, आपके अंगीकार हम चले, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह। क्या प्रेरणा है कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जय मसीह।